अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करने वाले हैं ओप्पो F27 Pro Plus के बारे में। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर उसकी मार्केटिंग की जा रही है। मार्केटिंग किस हवाले से की जा रही है जी? उससे अखरोट तोड़े जा रहे हैं, उस पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं, उस पर जो पिच सीधे करने वाली जो है अलाइंस स्लाइडर वो चढ़ाई जा रही है। आज किस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ किस तरह से ये मार्केटिंग करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से आप लोग इनके जाल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ओप्पो F27 Pro Plus के बारे में कि उसकी मार्केटिंग किस तरह से की जा रही है। राइट साइड पर आपको मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जो मार्केटिंग की जा रही है उसके साथ अखरोट तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उस पर बाइक जो है वो चलाई जा रही है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मैन भी आया हुआ, ठीक है, उसको भी मोबाइल बेचने के लिए अखरोट रख के वो ऊपर उसको तोड़े जा रहे हैं मोबाइल के साथ। इसके ऊपर ट्रैक्टर गुजारे जा रहे हैं। ओ भाईजान, हम हथियार थोड़ी लेने आए हैं आपसे, यहाँ जंग के लिए हमने हथियार लेने हैं आपसे, हमने सिंपल आपसे मोबाइल लेने हैं। उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी आजकल काफी ज्यादा की जा रही है मोबाइल सेल करने के लिए। शॉपकीपर्स ने अपने पास पानी का मगा रखा होता है, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल को डिप कर करके जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि देखे मोबाइल जो है वो वाटर प्रूफ है, ठीक है। मोबाइल को नीचे फेंक फेंक के बताया जा रहा है कि देखे मोबाइल कितना ज्यादा मजबूत है। यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, ये जितनी भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाती है, ठीक है, मोबाइल के साथ ये करके दिखाया जाता है, कभी ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, कभी उस पर बाइक चढ़ाई जा रही है, कभी उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर उसे धोया जा रहा है। ओ भाईजान बस कर दो, खुदा का नाम है, हमने आपसे सिंपल मोबाइल लेना है। ये जो मार्केटिंग आप करके दिखा रहे हैं, हमने आपसे कपड़ा बाय नहीं करना, हमने सिंपल मोबाइल लेना है। कोई भी अगर आप मोबाइल लेते हैं ना, ठीक है, अगर आप मोबाइल को नीचे गेरते हैं, ठीक है, यहां पर अगर मैं मोबाइल को अपने इस तरह से नीचे गेर दूं, देखिएगा मैंने मोबाइल को इस तरह से नीचे गिरा, मेरे मोबाइल को यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसको मैं और ज्यादा ऊपर से भी गेरूंगा, इस मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा। ये आपको कर करके दिखा रहे होते हैं, कभी कहीं से फेंक के दिखा रहे होते हैं, कभी से अखरोट तोड़ रहे होते हैं, तब तक आपके मोबाइल को कुछ नहीं होता। जब तक आपका मोबाइल किसी हमवार सतह पर गिरेगा, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपका मोबाइल गिरेगा, अगर नीचे कुछ भी नोकदार चीज हुई, तो आपका मोबाइल चाहे जितना भी महंगा है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, वो आपका मोबाइल डैमेज होगा ही होगा। ये आपको कर करके दिखा रहे हैं, इस तरह नीचे गिरते जा रहे हैं मोबाइल को, ठीक है, ऊपर से गाड़ियां गुजारते जा रहे हैं। भाईजान जब तक आप अपने मोबाइल को सीधा रख के उसके ऊपर कुछ भी गुजारेंगे, वो उस मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा। और ये आपको चूना लगा रहे हैं, चूना किस तरह से लगा रहे हैं मैं आपको राइट साइड पर मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चूना देखिए आपको किस तरह लगाया जा रहा है। एक बंदे ने मोबाइल बाय किया, ठीक है, ओप्पो F27 Pro Plus, ठीक है, उसने आगे से देखे, उसने क्या किया, वो कह रहा था भाईजान शॉपकीपर ने कहा था कि मोबाइल को जहां से मर्जी फेंको, आपका मोबाइल जो वो टूटने नहीं वाला, ठीक है। ये भाई ने क्या किया, मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद उसने तजर्बा करने के लिए, ठीक है, नीचे मोबाइल फेंका। अब देखे वीडियो देखे, ये ओप्पो का फोन है, ये सर ने लिया था, अभी लेके गए थे, जस्ट अभी लेके गए थे, और आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ा, ऐसे लिया, ऐसे छोड़ दिया, जैसे सेल फैन वाले बताया था, ऐसे छोड़ने छोड़ा, टूट गया, कैसे टूटा दिखाना आगे से, यहाँ पर आपने देखा किस तरह से जो है वो मोबाइल को उन्होंने बाय किया। उसके बाद शॉपकीपर ने क्या कहा कि आप मोबाइल को जहां से मर्जी फेंके, आपका मोबाइल नहीं टूटने वाला। अब इन्होंने मोबाइल फेंका, मोबाइल को मैं बताता चलूं, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह फेंकेंगे, आपको मोबाइल इस तरह से जमीन पर जाकर लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, आपका मोबाइल सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल इस तरह से गिर जाता है, इस तरह से गिर जाता है, इस तरह से टेढ़ा गिर जाता है, किसी दूसरी तरह से गिर जाता है, अगर नीचे हल्का सा भी कोई पत्थर हुआ, आपके मोबाइल का टच 100% टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि जब तक आपका मोबाइल बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही कोई पत्थर आ गया बीच में या आपका मोबाइल टेढ़ा गिर गया, तो उसका पैनल 100% टूटेगा ही टूटेगा। अगर यहां पर मैं बताता चलूं, ये जब मार्केटिंग कर रहे थे ओप्पो F27 Pro Plus वाले, ठीक है, नीचे इनके डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, अगर आप इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है कि अगर मोबाइल आपका गिर के टूट जाता है, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मोबाइल के अंदर अगर पानी चला जाता है किसी भी वजह से, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हालांकि ये क्लेम भी करते हैं, एड्स के अंदर दिखा भी इस तरह से रहे हैं कि उसे अखरोट तोड़े जा रहे हैं, उसको वॉशिंग मशीन के अंदर धोया जा रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, ट्रैक्टर गुजारे जा रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर बाइक गुजारे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे फेंक फेंक के दिखाया जा रहा है,
और उसके बाद साथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके जवाबदेह नहीं हैं अगर इस तरह की हरकत करते हुए आपका मोबाइल टूट जाता है। तो ये सीधा सीधा स्कैम किया जा रहा है मार्केटिंग के लिए कि उनके मोबाइल ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल आउट हो। ठीक है, यहां पर मैं शेयर करता चलूं, आप हथियार नहीं लेने जा रहे, आप सिंपल मोबाइल लेने जा रहे हैं। आप उसके अंदर प्रोसेसर देखें, उसकी रैम देखें, उसकी स्पेस देखें। ठीक है, बस ये तीन से चार चीजें देखने वाली होती हैं। ये क्या हुआ जी, उसके ऊपर बाइक गुजार के आपने दिखानी ही दिखानी है, ट्रैक्टर गुजार के दिखाने दिखाने, उससे अखरोट तोड़ने ही तोड़ने हैं। अब भाई जान थोड़ी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, जिससे आप अखरोट तोड़ सकते हैं, और वो भी कागजी अखरोट है। ठीक है, वो भी दूसरे अखरोट नहीं है, कागजी अखरोट को क्या किया जा रहा है, मोबाइल के साथ तोड़ा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सीधा सीधा स्कैम आपके साथ किया जा रहा है। इस तरह से मार्केटिंग करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ओप्पो का न्यू मॉडल है, ओप्पो F27 Pro Plus के नाम से। ठीक है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह से अपनाई जा रही है। हर मोबाइल के अंदर कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, हर मोबाइल के अंदर वाटर रेजिस्टेंस होता है मोबाइल। ठीक है, हर मोबाइल जो है उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा होता है, रैम अच्छी होती है, लेकिन इन्होंने स्ट्रैटजी क्या अपनाई, इन्होंने इस तरह की स्ट्रैटजी अपनाई, उसे अखरोट तोड़े जा रहे हैं, उसको वॉशिंग मशीन के अंदर धोया जा रहा है, उसके ऊपर ट्रैक्टर गुजारे जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि ये चीज़ें शो करवा के क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि उनका मोबाइल पत्थर है, उनका मोबाइल जो है इस हद तक मजबूत है कि इसे जहाँ मर्जी फेंक दिया जाए, जो मर्जी गुजारा जाए, उनका मोबाइल नहीं टूटे वाला। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर आपने मोबाइल बाय किया है तो खुदारा अपने मोबाइल की हिफाजत खुद करें, क्योंकि ये जो एड्स के अंदर दिखाते हैं, साथ डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दे दिया कि इसके जवाब दे हम नहीं होंगे अगर इस तरह के काम करते हुए आपका मोबाइल टूट जाता है। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, सेव रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।